गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। नीलम उपाध्याय बनी सैदपुर की तत्कालीन तहसीलदार, दिनेश कुमार हुए स्थानांतरित, कानूनगो सुरेश मिश्रा हुए सेवानिवृत्त। सैदपुर स्थानीय तहसील के तत्कालीन तहसीलदार दिनेश कुमार एवं सेवानिवृत्त आ रहे कानूनगो सुरेश मिश्रा को स्थानीय तहसील परिसर में मंगलवार को भावभीनी विदाई दी गई। तहसील कर्मियों व व्यापारियों ने स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम देकर स्थानांतरित तहसीलदार एवं सेवानिवृत्त कानूनगो का सम्मान किया। मुख्य अतिथि तत्कालीन तहसीलदार की पत्नी साधना देवी ने कहा कि मेरे पति को जो प्यार और आशीर्वाद यहां से मिला उसका मैं शुक्रगुजार रहूंगी। नायब तहसीलदार राहुल कुमार ने कहा कि तत्कालीन तहसीलदार की कार्यशैली का हर कोई मुरीद रहा। जिस तरह वह फरियादियों से प्रेमपूर्वक वार्ता कर उनकी समस्याओं का निस्तारण करते थे वह अनुकरणीय है। वर्तमान तहसीलदार नीलम उपाध्याय ने कहा कि तत्कालीन तहसीलदार की तरह ही सभी फरियादियों को कार्य किया जाएगा। लेखपाल संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह, उद्योग व्यापार समिति के संरक्षक विनीत जायसवाल, वेद इंटरनेशनल के एमडी पंकज श्रीवास्तव, मां काली मंदिर के पुजारी सूर्यकांत मिश्रा के अलावा अन्य लोगों ने तत्कालीन तहसीलदार व कानूनगो को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम प्रदान किया। तहसीलदार ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान सभी की समस्याओं के निस्तारण का प्रयास किया। इस मौके पर इसरार अहमद सिद्दीकी, अधिवक्ता दिवाकर राय, संतोष चौहान, चंदन सोनकर, मृत्युंजय कुमार के अलावा लेखपाल व तहसील कर्मी मौजूद थे। आठ बजे सुबह भी हमें यहाँ दिखाई दिए और आठ बजे रात को भी दिखाई दिए। अब कोई पेपर मंत्री मालिक है कि तुरंत बैठ जब काम में कोई रुकावट नहीं, आपने सही कार्य कागज रखा है तुरंत दफ्तर मिले, भले सेकंड भी नहीं आ पानी, तो ऐसे शख्सियतों को मिलना बहुत ही दुर्लभ है, हमारे अनुकरणीय है। हम लोगों को भी है सरकारी कर्मचारी होने के नाते हमें आपसे जो है कुछ सीखना होगी। साथ ही आदरणीय बहुत ही अच्छा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस परंपरा को जो आपने निभाया है उसके लिए मैं तहसील अध्यक्ष बड़े भाई देव सिंह जी का भूरी भूरी कोई कोई बार आपके जो हम लोगों को भी आपने एहसास किया है कि हमको भी इस पद का जो है साक्षी बनाया, उसके लिए मैं आपका कोई सा धन्यवाद देता हूँ।